भारतीय इतिहास तथा संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यहाँ के वेद, पुराण तथा उपनिषद ज्ञान के अभूतपूर्व भंडार हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन, साहित्य, ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है गंगा के सुरम्य तट पर स्थित भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी। विश्व की इसी प्राचीनतम नगरी में ज्ञान की अविरल धारा के प्रवाह का एक प्रमुख केंद्र है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सपनों का मूर्त रूप है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग में एक परंपरावादी ब्राह्मण कुल में 1861 में हुआ था। भारतीय दर्शन और ज्ञान से ओतप्रोत पंडित मदन मोहन मालवीय जी में परंपरा और आधुनिकता का एक अनूठा समन्वय था। एक आधुनिक दूरदृष्टा की भांति मालवीय जी का मानना था कि राष्ट्रवादी शिक्षा के आधार पर ही एक देश को प्रगति के पथ पर आरूढ़ किया जा सकता है। महामना का प्राचीन भारतीय मनीषा में अत्यधिक विश्वास था, जिसमें समेकित मानव एवं समेकित समाज की परिकल्पना की गई थी। इस जीवन दृष्टि में ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और पारलौकिक, कर्म और धर्म तथा भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय देखा जा सकता है। इसी प्राचीन मनीषा के अनुरूप मालवीय जी देश में शिक्षा का एक ऐसा केंद्र चाहते थे जो समग्र एवं सर्वतोमुखी शिक्षा प्रदान करे, जिससे जीवन में परिश्रम, कर्तव्य परायणता, बौद्धिकता और आध्यात्मिकता का संगम हो सके। ब्रिटिश अधिपत्य के उस युग में जहां देश में उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय के प्रबंधन पर सरकार का कड़ा नियंत्रण था, मालवीय जी भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि में उच्च स्तरीय शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था करना चाहते थे जिसके द्वारा भारतीय नवयुवकों के चरित्र का निर्माण हो सके और उनमें देश प्रेम की भावना का संचार हो सके। अपने इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मालवीय जी ने सन 1904 में वाराणसी में काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सभा में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की योजना प्रस्तुत की। इस योजना को सभी के द्वारा बड़े उत्साह के साथ स्वीकार किया गया और इसके बाद शुरू हुआ वार्ताओं और चर्चाओं का दौर, जिसके आधार पर 1905 में प्रस्तावित हिंदू विश्वविद्यालय के भावी स्वरूप का लिखित दस्तावेज तैयार किया गया। इस प्रस्ताव की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें उस समय में संचालित अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा एक आवासीय विश्वविद्यालय की कल्पना की गई थी, जो प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुरूप गुरुकुल शिक्षा प्रदान करता हो, जहां छात्र और अध्यापक साथ साथ रहें और पूरे भारतवर्ष से छात्र यहां अध्ययन हेतु आकर रहें। श्री गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया। 1906 में सनातन धर्म सभा प्रयाग में भी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। मालवीय जी के सम्मुख अब सबसे बड़ी चुनौती इस दिव्य स्वप्न को साकार करने हेतु आवश्यक पूंजी जुटाना था। इस हेतु 1 करोड़ रुपए जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया और मालवीय जी ने इस हेतु दान इकट्ठा करने की एक रूपरेखा तैयार की। गायत्री मंत्र एवं गजेंद्र मोक्ष का अनगिनत बार जाप कर महामना ने अपने पिता से आशीर्वाद सहित पहला दान ग्रहण किया
और फिर भिक्षुक बन निकल पड़े संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा पर विश्वविद्यालय के लिए दान एकत्रित करने हेतु। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारने मोह न आवे लाज। इस दोहे की अनुपालना के साथ रियासतों के राजाओं और धनाढ्य सेठों से मालवीय जी ने विश्वविद्यालय हेतु चंदा एकत्रित किया, लेकिन इसके साथ ही अनेक गरीब और साधारण पुरुष स्त्रियों, मजदूरों और किसानों ने भी महामना को खुलकर दान प्रदान किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार और यकीन में बदलने लगा जब 1911 में श्रीमती एनी बेसेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया की अपनी योजना को छोड़कर मालवीय जी के साथ हिंदू विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज को मालवीय जी को सौंप दिया। यही कॉलेज भावी विश्वविद्यालय का आधार बना। 1911 में ही महामना को दरभंगा नरेश रामेश्वर सिंह का सहयोग प्राप्त हुआ और साथ ही 5,00,000 रुपए का दान भी महामना को प्रदान किया। धन की समस्या के समाधान के उपरांत विश्वविद्यालय के निर्माण में दूसरी चुनौती थी ब्रिटिश सरकार से चार्टर की प्राप्ति। इसके लिए सारा देश आंदोलित था। कांग्रेस के उग्र धड़े के समर्थक लाला लाजपत राय ने 1912 में लाहौर अधिवेशन में सिंहनाद किया कि चार्टर और नो चार्टर, हिंदू यूनिवर्सिटी मस्ट एग्जिस्ट। लेकिन सौम्य किंतु दृढ़ महामना ने कहा चार्टर एंड चार्टर, हिंदू यूनिवर्सिटी मस्ट एग्जिस्ट। वायसराय के काउंसिल के शिक्षा सदस्य सर हरकोर्ट बटलर ने चार्टर प्रदान करने के लिए एक शर्त रखी कि विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी ही होगा। अपने सहयोगियों और मित्रों के विरोध के बावजूद भी सुधारवादी महामना ने व्यवहारिक आधार पर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रस्तुत बिल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्यों की व्याख्या की गई। अंततः 22 मार्च 1915 को सर हरकोर्ट बटलर ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बिल प्रस्तुत किया। बिल पर चर्चा के दौरान बटलर ने कहा कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों की तरह यह आवासीय और शिक्षण विश्वविद्यालय होगा और इस तरह लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर बने अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न होगा। फिर आया वह स्वर्णिम दिवस जिसका सभी को इंतजार था। 4 फरवरी 1916 को जब भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में बैठने की सुव्यवस्थित रूपरेखा तैयार की गई। पर्दा रखने वाली महिलाओं के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की गई। शिलान्यास कार्यक्रम के पश्चात 5 से 8 फरवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया गया। इनमें विभिन्न विषयों पर देश विदेश के विद्वानों के व्याख्यान आयोजित किए गए। इनमें जेसी बोस, पीसी रॉय, सीवी रमन, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, वी एन भातखंडे आदि अनेक विचारकों ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे। इस समारोह में महाराजा कश्मीर और महाराजा अलवर अपनी क्रिकेट टीम को लेकर बनारस आए, जिनका मैच 5 से 7 फरवरी 1916 को बाबू सीताराम शाह की यूपी टीम के साथ खेला गया। 1 अप्रैल 1916 को यूनिवर्सिटी एक्ट लागू कर दिया गया। मैसूर के महाराजा कृष्णराज बादियार प्रथम चांसलर बने। ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया को प्रो चांसलर तथा डॉक्टर सुंदरलाल को वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। इस तरह 1904 से 1916 तक की सुदीर्घ यात्रा के उपरांत काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का स्वप्न पूर्ण हो सका। इसके बाद शुरू हुई विकास की निर्बाध यात्रा, जिसमें 1360 एकड़ के इस विशाल भूभाग पर बने विश्वविद्यालय में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का गठन होने लगा।
वर्तमान में विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित हैं 3 संस्थान, 15 संकाय, 119 विभाग, 1 कॉलेज तथा 3 विद्यालय। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी शुरुआत 1920 में फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल लर्निंग एंड थियोलॉजी के आयुर्वेद विभाग के रूप में हुई थी। 1860 में आयुर्वेद कॉलेज कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस बना दिया गया और इसके पहले प्रिंसिपल बने प्रोफेसर के एन उडुप्पा। 1971 में इसे इंस्टीट्यूट बना दिया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 3 संकाय कार्यरत हैं, आधुनिक चिकित्सा संकाय, यह चिकित्सा विज्ञान की सभी शाखाओं के अध्ययन की स्थली है, यहां 36 विभाग शैक्षणिक कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। आयुर्वेद संकाय में 15 विभाग हैं जो चिकित्सा की इस प्राचीन भारतीय विधा में शिक्षण के अतिरिक्त नवीन अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराता है। इंस्टीट्यूट का तीसरा संकाय है दंत विज्ञान संकाय। दंत संकाय का आधुनिक स्वरूप इसे राष्ट्र में दंत विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। मेडिकल कॉलेज के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के अनेक गरीब आमजन अपने इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल में 1200 बिस्तर की उपलब्धता है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 2000 से 2500 मरीज अस्पताल के बहिरंग में अपने इलाज हेतु रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अस्पताल में रोग निदान एवं रोग उपचार की नवीनतम सुविधाएं उपलब्ध हैं। ए श्रेणी के अंतर्गत शामिल यहाँ के ब्लड बैंक के पास मोबाइल ब्लड बैंक वैन भी मौजूद है। आयुर्वेद की केरल चिकित्सा पद्धति से भी अनेक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय की जन स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के पश्चात और अधिक हो गया है। ट्रॉमा सेंटर अपनी नवीनतम तकनीक, प्रशिक्षित डॉक्टरों तथा रोग निदान के उच्च उपकरणों की सहायता से जन सामान्य को स्वास्थ्य संबंधी श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान कर रहा है। परिसर में नर्सिंग महाविद्यालय भी संचालित होता है। यह उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक बेहतर ढंग से प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध कराता है। कृषि विज्ञान संस्थान की शुरुआत 1931 में कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में कृषि पर रॉयल कमीशन के सुझावों के अनुरूप हुई, जिसके सदस्य स्वयं महामना भी थे। स्थापना के साथ ही यह कृषि अनुसंधान पर देश का अग्रणी संस्थान बन गया। 1945 में यहाँ कृषि विषयों पर अध्यापन प्रारंभ हुआ और इसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बनाकर तकनीक संकाय के अधीन कर दिया गया। 1968 में यह एक स्वतंत्र संकाय तथा 1981 में स्वतंत्र संस्थान के रूप में कार्य करने लगा। संस्थान में वर्तमान में कुल 12 विभाग कार्यरत हैं। कृषि संस्थान में विभागों के साथ साथ कुछ अन्य इकाइयां भी जुड़ी हैं। डेयरी यहाँ की महत्वपूर्ण इकाई है, जिसमें मालवीय जी की गौ पालना के विचारों के अनुरूप गौशाला का निर्माण किया गया है। यहाँ गायों के उचित रखरखाव के साथ साथ दुग्ध का वितरण भी किया जाता है। कृषि संस्थान के साथ अनेक फार्म हाउस भी जुड़े हैं। यहाँ अनेक कृषि अनुसंधान संचालित किए जाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व किसानों के शिक्षण तथा प्रशिक्षण का है। उद्यान विभाग के जिम्मे है परिसर के हरे भरे सुंदर स्वरूप को बनाए रखना। यह इकाई पूरे परिसर के लंबे दालानों के रखरखाव, पौधरोपण और मौसमी फलों तथा लताओं से परिसर के सौंदर्य को निखारने में कार्यरत रहती है। कृषि मेलों की सहायता से संस्थान प्रयोगशालाओं के अनुसंधान किसानों के खेत तक पहुंचाता है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण तथा धारणीय विकास पर पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान का गठन किया गया है। बढ़ती जनसंख्या, घटते प्राकृतिक संसाधन
तथा वैश्विक जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों के अध्ययन का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र है। संस्थान आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के महत्ती लक्ष्य को ध्यान में रखकर अध्ययन और अनुसंधान में कार्यरत है। मालवीय जी का तकनीकी एवं अभियांत्रिकी शिक्षा पर अत्यधिक बल था। वे इसे उन्नत भारत के निर्माण के लिए आवश्यक मानते थे। इस हेतु मालवीय जी ने बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज, बैंको, कॉलेज ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी तथा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। मालवीय जी की दूरदर्शिता का परिणाम ही था कि यहाँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, मेटलर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सिरेमिक एंड ग्लास टेक्नोलॉजी जैसे विषयों का अध्यापन किया जाने लगा। 1968 में तीनों कॉलेजों को मिलाकर प्रौद्योगिकी संस्थान का गठन किया गया। 2012 में संस्थान को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्वरूप दे दिया गया। अब यह एक स्वायत्त निकाय है किंतु काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध है। संस्थान में 10 अभियांत्रिकी विभाग, 3 विज्ञान विभाग और 3 अंतर विषयक स्कूल कार्यरत हैं। विभिन्न संकायों में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं और प्रशाखाओं का अध्ययन किया जाता है। कला संकाय को मातृ संकाय का दर्जा प्राप्त है क्योंकि इसका प्रारंभ सेंट्रल हिंदू कॉलेज से हुआ और इसी संकाय से अलग होकर अनेक नए संकायों का गठन किया गया। कला संकाय मुख्यतः शिक्षा के 3 आयामों पर केंद्रित है। पहला है इतिहास, संस्कृति और दर्शन। यहां प्राचीन भारतीय इतिहास, कला और दर्शन का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्षेत्र है भाषा एवं साहित्य। यहां भारतीय एवं विदेशी भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। इनमें क्लासिकल तथा आधुनिक सभी भाषाएं शामिल हैं। तीसरा क्षेत्र व्यावसायिक तथा पेशेवर शिक्षा का है। इसमें मीडिया और जनसंचार, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, शारीरिक शिक्षा तथा टूरिज्म जैसे विषयों का अध्ययन होता है। संकाय में 21 विभाग हैं तथा 5 अंतर विषयक केंद्र कार्यरत हैं जो ज्ञान की नवीन धाराओं के अध्ययन में निरंतर संलग्न है। कला संकाय से अलग होकर 1971 में सामाजिक विज्ञान संकाय का गठन किया गया। इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान जैसे परंपरागत 5 विभागों के अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान संकाय में 5 महत्वपूर्ण अंतर विषयक केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों में महिला अध्ययन और विकास, शांति अध्ययन तथा सामाजिक बहिष्करण एवं समेकित नीति जैसे ज्वलंत और मानव विकास के चुनौतीपूर्ण प्रश्नों पर अध्ययन एवं अनुसंधान किया जाता है। अर्थशास्त्र विभाग के अनुषंगी विभाग के रूप में 1940 में वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। 1965 में विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती पर वाणिज्य विभाग को पूर्ण संकाय का दर्जा प्रदान किया गया। 1975 में वाणिज्य संकाय में 2 विभाग कर इसका नया नाम वाणिज्य एवं प्रबंध संकाय कर दिया गया। 1984 में पुनः वाणिज्य संकाय का पुनर्गठन करते हुए वाणिज्य संकाय और प्रबंध संकाय को अलग अलग कर दिया गया। प्रबंध संकाय अपने स्वतंत्र स्वरूप के साथ निरंतर प्रगति के नए आयाम छू रहा है। भारत के महत्वपूर्ण प्रबंध संस्थानों में यह संकाय शामिल हो गया है। यहां से निकले छात्र उद्योग तथा वाणिज्य जगत में अपना परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं। भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन पर मालवीय जी की अटूट श्रद्धा थी। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय शास्त्रों, संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही 1918 में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय की स्थापना की गई। इस संकाय में
8 विभाग कार्यरत हैं, जहां धर्म, आध्यात्मिकता और दर्शन जैसे विषयों पर अध्ययन किया जाता है। संकाय का एक प्रमुख उद्देश्य धर्म और दर्शन पर फैले भ्रम को दूर कर मूल्यों को सही रूप में स्थापित करना है। यद्यपि संकाय की विशिष्टता परंपरागत तरीके से संस्कृत पाठ्य का श्रुति एवं लेखन के आधार पर अध्ययन अध्यापन करने की रही है, जिसमें प्रत्येक शब्द पर बल देकर सही अर्थ निकाला जाता है, किंतु इसके साथ ही संकाय आधुनिक विचार, विज्ञान और तकनीक के साथ संवाद भी कायम कर रहा है। प्राच्य विद्या के साथ साथ मालवीय जी आधुनिक विज्ञान की शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे। विज्ञान संकाय में रसायन विभाग का गठन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ 1916 में कर दिया गया था। तब से यह विभाग देश में रसायन विज्ञान के अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। समय की कदम ताल के साथ विभाग नए क्षेत्रों में अपना विस्तार कर रहा है। भौतिक विज्ञान विभाग का गठन भी 1916 में ही विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ हो गया था। देश के भौतिक विज्ञान के अध्ययन और अनुसंधान में इस विभाग का अतुलनीय योगदान रहा है। अपनी विभिन्न प्रयोगशालाओं के माध्यम से यह भौतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है। 1919 में वनस्पति शास्त्र विभाग, 1921 में जंतु विज्ञान विभाग और 1923 में भूगर्भ शास्त्र विभाग का गठन किया गया। ये विभाग न सिर्फ बदलते समय के अनुसार नई उपशाखाओं के साथ विषय का विस्तार कर रहे हैं, साथ ही वे अनुसंधान को नया स्वरूप भी प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में विज्ञान संकाय में 5 विभाग, 4 केंद्र तथा 2 अंतर विषयक केंद्र संचालित हैं। संकाय विभिन्न विषयों पर निरंतर अनुसंधान के नए केंद्र स्थापित कर विज्ञान अध्ययन के क्षितिज को विस्तृत कर रहा है और उच्च स्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है। मानव जीवन के कलापक्ष से भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय अनभिज्ञ नहीं है और इस क्षेत्र में अध्ययन हेतु दृश्य कला संकाय तथा संगीत एवं मंच कला संकाय कार्यरत हैं। 5 विभागों के साथ दृश्य कला संकाय कला के विविध पक्षों के अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराता है। संकाय कला में रचनात्मकता के साथ साथ व्यवसायिकता के आधार पर शिक्षा प्रदान करने में निरंतर प्रयत्नशील है। नृत्य, गायन, वादन और संगीत शास्त्र को अपने में समेटे हुए है नृत्य एवं मंच कला संकाय। यहाँ का संगीतमय वातावरण कला के प्रति मानवीय अनुराग को पुष्पित एवं पल्लवित करता है। विधि संकाय ने 1921-22 के शैक्षणिक सत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। तब यह विभाग कला संकाय के 2 कमरों में संध्याकालीन कक्षाओं के रूप में चलाया जाता था। स्वयं मालवीय जी विधि संकाय के लंबे समय तक संकाय प्रमुख रहे। फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से विधि संकाय का आधुनिक भवन तैयार हुआ। देश में राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि, वाणिज्य विधि, मानवाधिकार आदि पर अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विधि संकाय। संकाय द्वारा समाज के निचले तबके के जरूरतमंद लोगों को मुफ्त विधिक सहायता भी प्रदान की जाती है। शिक्षा संकाय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में 1918 से कार्यरत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर से अलग कामाख्या में संचालित शिक्षा संकाय बदलते समय के अनुरूप आधुनिक शिक्षा प्रविधियों से भावी अध्यापकों को अवगत करा रहा है, साथ ही उनमें कालातीत मानवीय एवं सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करने का कार्य भी सफलतापूर्वक कर रहा है। संकाय में
शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के शिक्षण हेतु प्राविधियों के अध्ययन एवं प्रशिक्षण का कोर्स भी संचालित किया जाता है। देश विकास में महिलाओं की भागीदारी को मालवीय जी आवश्यक मानते थे और इस हेतु महिलाओं को श्रेष्ठ उच्च शिक्षा प्रदान करने के वे हिमायती थे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर 1929 में विश्वविद्यालय परिसर में महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई। महिला महाविद्यालय में छात्राओं को मानविकी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, कला, दृश्य कला आदि अनेक विषयों पर शिक्षा प्रदान की जाती है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे नवीन विषयों का अध्ययन आरंभ कर कॉलेज महिलाओं के लिए आधुनिक समय के अनुरूप उच्च शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध करा रहा है। यहाँ का शांत एवं सौम्य वातावरण इसे एक अनूठी पहचान देता है। विश्वविद्यालय का विस्तार काशी की सीमाओं से निकलकर मिर्जापुर में भी हो गया, जब वहां राजीव गांधी दक्षिण परिसर की स्थापना की गई। बरकच्छा में 1104 हेक्टेयर के विशाल भूभाग पर फैला काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दक्षिणी परिसर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र में शिक्षा के महत्वपूर्ण हब के रूप में स्थापित हो रहा है। विंध्य क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु दक्षिण परिसर निरंतर कार्यरत है। इस हेतु यहाँ अनेक रोजगार परक तथा जीविकोपार्जन में सहायक शिक्षण एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। शिक्षा, अनुसंधान और जन सहभागिता के आधार पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दक्षिणी परिसर देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। पानी की अनुपलब्धता की समस्या से जूझ रहे बरकच्छा के क्षेत्र में आज वर्षा के जल का संरक्षण हो रहा है। पत्थर में फूल खिलाने की कहावत को यहाँ चरितार्थ होते देखा जा सकता है। विश्वविद्यालय में ज्ञान का केंद्र बिंदु यहाँ का सयाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय है। यह देश के किसी भी विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी लाइब्रेरी व्यवस्था है। 1921 में कला संकाय में शुरू हुआ यह पुस्तकालय 1941 में इस ऐतिहासिक एवं भव्य बिल्डिंग में स्थानांतरित हुआ। पुस्तकालय का स्थापत्य लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम के समतुल्य है, जिसमें बर्मा के टीक वुड का फर्नीचर प्रयुक्त किया गया है। पुस्तकालय में 15 लाख से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं, हजारों ई जर्नल पुस्तकें और डेटाबेस की उपलब्धता है। यहाँ अनेक दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रह है। इनका नई तकनीक के प्रयोग से संरक्षण किया जा रहा है और अनेक पांडुलिपियों को डिजिटलाइज किया जा चुका है। मुख्य लाइब्रेरी के साथ 3 संस्थानों, 8 संकायों तथा 25 विभागों में भी पुस्तकालयों की व्यवस्था है। आधुनिक समय की मांग के अनुरूप साइबर लाइब्रेरी भी संचालित की जाती है, जिसमें 400 छात्रों के अध्ययन की सुविधा है। परिसर में पद्म विभूषण राय कृष्णदास द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय भारत कला भवन है। भारत कला भवन में 1 लाख से अधिक प्राचीन एवं दुर्लभ कलाकृतियां, पेंटिंग्स, मूर्तियां, पांडुलिपियां, सिक्के आदि संरक्षित हैं। कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं से सुसज्जित भारत कला भवन प्राचीन भारतीय ज्ञान, कला और संस्कृति पर अध्ययन का एक प्रमुख स्रोत भी है। महाबना के विभिन्न विचारों, लेखों और विभिन्न दस्तावेजों के संरक्षण हेतु विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण कार्य महामना के आर्काइव की स्थापना के रूप में किया जा रहा है। इस आर्काइव में महामना से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों और कागजातों को एक स्थान पर रखा जाएगा। यहाँ पर अनेक दस्तावेजों को
माइक्रोफिल्म के रूप में संरक्षित किया जा रहा है। भविष्य में महामना से संबंधित विभिन्न शोध एवं अध्ययन के लिए यह आर्काइव एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कारगर सिद्ध होगा। इस तरह परंपरा और आधुनिकता, प्राचीन और समकालीन, संस्कृति और विज्ञान, आध्यात्मिक और भौतिक सभी विषयों के सुंदर समन्वय की अनूठी स्थली है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी यही विशिष्टता इसे देश के अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न बनाती है। इस विशिष्टता को अभिव्यक्त करता है यहाँ का कुलगीत, जो यहाँ के हर विद्यार्थी, कर्मचारी और अध्यापक में गर्व की अनुभूति भर देता है। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी, मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। ये तीन लोकों से न्यारी काशी, ज्ञान धर्म और सत्य राशि, बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्व विद्या की राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। इस विशाल परिसर की एक और अनूठी विशेषता यहाँ का वातावरण है। यह परिसर पर्यावरण की दृष्टि से हरियाली युक्त है और इसका एहसास परिसर में प्रवेश के साथ ही होने लगता है, जब परिसर के बाहर और भीतर तापमान में भिन्नता को शरीर महसूस करने लगता है। पर्यावरण के प्रति सजगता इतनी है कि सड़कों को जामुनिया लेन, अमिया लेन, महुआ लेन आदि के नाम से जाना जाता है। परंपरा के प्रति सम्मान इतना है कि विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व बने लोक एवं ग्राम्य देवताओं के अनेक मंदिर परिसर में आज भी अक्षुण्य और संरक्षित हैं। एलीट कॉफी हाउस कल्चर के विपरीत बनारसी अंदाज में चाय की दुकानों पर अड्डेबाजी भी देखी जा सकती है, जहां सामान्य हास परिहास से लेकर गंभीर चिंतन, बहस और सृजन भी होता है। परिसर के भीतर अनेक आवास हैं, जिसमें अनेक कर्मचारी तथा शिक्षक निवास करते हैं, तो साथ ही 84 छात्रावास हैं, जिनमें 15,000 से अधिक छात्र निवास करते हैं। परिसर के भीतर निवास इन सभी को एक विशिष्ट अनुभूति प्रदान करता है। परिसर के भीतर युवा विद्यार्थियों के सपनों को उड़ान देता उन्मुक्त माहौल भी है, तो साथ ही जीवन को सार्थक बनाने हेतु अनुशासन की अनुपालना भी है। चरित्र निर्माण हेतु परिसर में गीता प्रवचन द्वारा कर्म की प्रधानता का बोध कराया जाता है, तो योग साधना केंद्र मन पर नियंत्रण करने का आत्मबल प्रदान करता है। परिसर में स्थित भगवान विश्वनाथ का मंदिर परिसर में आध्यात्मिकता के वातावरण को पल्लवित करता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की 100 वर्षों की सुदीर्घ यात्रा में इस विश्वविद्यालय से जुड़े हर व्यक्ति,
अधिकारी, कर्मचारी, अध्यापक और छात्र का अमूल्य योगदान इस विश्वविद्यालय को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक रहा है। महामना जी प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक थे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक उत्कृष्ट समाज सुधारक थे। हम ये कह सकते हैं मानवीय एवं सामाजिक जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो मालवीय जी के योगदान के कारण अलंकृत और चमत्कृत न हुआ। कई बार मुझे लगता है मालवीय जी मूर्तिमंत भारत थे, इससे उनको यह कल्पना थी कि कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई राष्ट्र स्वतंत्र हो, संप्रभु हो, यह मायने रखता है। परंतु इससे ज़्यादा मायने यह बात रखती है कि वह व्यक्ति, वह समाज, वह राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को समयोपरि कैसे बनाए रख सकता है। परंतु समयोपरि यह देश अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखे, अपनी अस्मिता को बनाए रखे, इसलिए इस राष्ट्र में शिक्षा की संप्रभुता आवश्यक है। और मुझे लगता है कि शायद इसी उद्देश्य से उन्होंने उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय में आंतरिक शक्ति की इतनी प्रचुरता है, उसके आधार पर ही अब विश्वविद्यालय अपनी भूमिका को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठापित करने में सफल रहा है। आगे भी इस आंतरिक शक्ति को बनाए रखने, इसे और योजित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमारे यहाँ के अलुमिनाई जो देश के कोने कोने में रहने के साथ साथ विश्व के अनेक प्रतिष्ठित देशों में प्रतिष्ठापूर्ण स्थानों पर काम कर रहे हैं, अनेक ऐसे अलुमिनाई हैं जो अपने अपने क्षेत्र में देश स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी खासी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। वे अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस और अपने एक्सपोजर को काशी हिंदू विश्वविद्यालय की व्यवस्था के साथ शेयर करें, हमें अपने अनुभवों से अवगत कराएं। हम उनको यह विश्वास दिलाते हैं कि उनके उन अनुभवों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूरी तरह से अपने एकेडमिक करिकुलम और प्रोग्राम का हिस्सा बनाएगा। यहां से निकले पूरा छात्र देश और विदेश में ज्ञान और विज्ञान की प्रत्येक शाखा में, कर्म और व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र में एक अनूठी पहचान बनाए हुए हैं। मालवीय जी आज हमारे साथ नहीं है, किंतु इस विश्वविद्यालय के कण कण में वे विद्यमान हैं। शिक्षा के इस मंदिर को देश और विदेश में विशिष्ट स्थान दिलाने का उनका दिव्य स्वप्न हमारे साथ है। विश्वविद्यालय की पताका को शिखर पर लहराते रहने की उनकी अभिलाषा हमारे साथ है। उत्थत्वयम् जागृत्वयम् योक्त्वयम् भूति कर्मसु भविष्यति त्येव मनः कृत्वा सतत मव्यथे। उठो, जागो और अनवरत रूप से तथा निर्भीकता पूर्वक उत्थान के कार्य में स्वयं को संलग्न कर लो, इस विश्वास के साथ कि सफलता आपके प्रयासों का वरण अवश्य करेगी।